सुप्रभात विद्यार्थियों। तो इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 7 अभ्यास के अंदर तीन प्रश्नों को हमने देखा। तीन प्रश्न जो थे उसके अंदर वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां थी उनको हमने हल किया था। इस वीडियो में हम वाक्य रचना की अशुद्धियों को हम शुद्ध करके लिखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। वह है प्रश्न चार जो है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो नीचे जो आपका प्रश्न नंबर 4 दिया गया है उसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो गलत हैं, उन वाक्यों को सही करके दोबारा लिखना है। तो यहां पहला जो वाक्य है उसके अंदर विद्यार्थी वाक्य में लिंग संबंधी गलतियां हो सकती हैं, वचन संबंधी गलतियां हो सकती हैं, सर्वनाम संबंधी गलतियां हो सकती हैं, विशेषण संबंधी गलतियां हो सकती हैं, क्रिया संबंधी गलतियां हो सकती हैं, मुहावरों की भी गलतियां होती हैं कभी कभी। तो यहां आपको वाक्य को पढ़ने के बाद वह पता चलेगा कि वाक्य जो है वह उसमें क्या गलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य देखिए अनेकों व्यक्तियों ने खाना खाया। अब विद्यार्थी यहां देखिए अनेक अपने आप में ही बहुवचन है तो उसको अनेकों कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां अनेक जो है वो बहुवचन, तो उसको बहुवचन को बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो वहां क्या हो जाएगा? अनेक व्यक्तियों ने खाना खाया, अनेकों ने। क्या उत्तर होगा? अनेक व्यक्तियों ने खाना खाया या अनेक व्यक्तियों ने खाना खाया, इसलिए इस रूप में आप उसे लिख पाए। दूसरा बात देखिए विद्यार्थी, मेरे को पुस्तक देखिए, मेरे को तेरे को यह एक बोली में कुछ कहीं कुछ प्रांतों में बोले जाते हैं परंतु यह भाषा की दृष्टि से गलत है। मेरो की जगह पर हमें मुझे शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो मेरो को यह अटपटा है भाषा की दृष्टि से, यह स्पष्ट नहीं है, यह शुद्ध नहीं है। मेरो की जगह पर मुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। क्या हो जाएगा? मुझे पुस्तक दो, मुझे क्या हो जाएगा? मुझे पुस्तक दो। तो मेरे को जगह पर मुझे पुस्तक दो। तीसरा बात है मैंने आज पढ़ना नहीं, उसकी जगह मैंने क्या दिया? मुझे आज पढ़ना है। मुझे आज पढ़ना है, यह सही वाक्य। अगला वाक्य देखिए विद्यार्थी, उसका प्राण सूख गया। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि प्राण जब आए, आंसू जब आए, दर्शन जब आए, ऐसी जगह पर बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य जो है वो बहुवचन में हो जाए, क्रिया जो है वो बहुवचन है। उसका नहीं, उसके, यहां उसका जगह उसके प्राण सूख गया, सूख गए। क्या उत्तर होगा? उसके प्राण सूख गए, उसके प्राण सूख गए। तो वहां हो जाएगा उसके प्राण सूख गए। अगला है मोहन ने प्राण की बाजी लगा दी, तुम्हारे प्राणों की बाजी थी। यहां पर दीपे पर बिंदु हो जाएगा और प्राण की जगह क्या हो जाएगा? प्राणों। मोहन ने
बाजी लगा दी, लगा दी। मोहन ने प्राणों की बाजी लगा दी, यह स्पष्ट वाक्य हो। तो यहां ये वाक्य, यहां अगला वाक्य जिसने विद्यार्थी हुआ है, तेरे को उसने क्या कहा। फिर यहां तेरे की जगह आ जाएगा तुम्हें उसने क्या कहा, क्या आ जाएगा तुम्हें उसने क्या कहा। प्रश्न, तुम्हें उसने क्या कहा। अगला वाक्य जो है पदक्रम के सूची है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो यहां हो जाएगा खरगोश तो नहीं, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, या गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, या गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, या गाजर काटकर, गाजर काटकर, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। यहां गाजर काटना है और खरगोश को खिलाना है, इस प्रकार वह स्पष्ट वाक्य होगा। तो यहां प्रश्न चार के होने पर से लेकर के छह, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।